हम सज्जन बने। आज सनातन धर्म के ऊपर बड़ा कुठाराघात हो रहा है, धर्म को खोखला किया जा रहा है। 10 लोग मानने वाले हैं, 90 लोग उसका विरोध करने वाले हैं। इतना संघर्ष कीजिए कि जो मानने वाले जो 10 हैं वो मानने वाले 90 हो जाए। हमारे ऋषियों ने बड़ी मेहनत करी है, लाखों लाखों वर्षों तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया इस धर्म के लिए। इतने ग्रंथ पुराण उपनिषद स्मृतियां वह हमारे और आपके लिए रची गई बनाई गई। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन आज अष्टमी को करना चाहूंगा, बच्चों को अपने पास बैठाइए, पूजा पाठ में उन्हें बैठाइए, उन्हें बताइए, उन्हें चंदन का महत्व बताइए। चंदन में एक वह पौष्टिकता है जिसका सीधा संबंध आज्ञा चक्र से, और जब चंदन उस आज्ञा चक्र को जब छूता है, भ्रकुटी के मध्य में जब वो चंदन लगता है, तो उसमें से एक ऐसी एनर्जी प्रकट होती है जो अंदर प्रवेश करती हुई और उत्साह को बरकरार बना करके रखती है, उत्साह को मुर्दा नहीं होने देती। इसलिए हमारी संस्कृति में चंदन को इतना महत्व दिया गया। वो संत महापुरुष, उन्होंने इस बात का प्रचार किया और हमारे ग्रंथों में गाया, चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम। पाप क्या है? कहां से आए आप? जम्मू में आ रहे हैं हम 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। बैठो, कथा सुन लो, 1:30 बजे तक बैठेंगे आप। जम्मू से काफी भक्त चल करके आए, अच्छा तो लग रहा ही है। ए पर्वतीय भाई बहन मुझे बहुत अच्छे लगे, पहाड़ी भाई बहन बहुत उत्साह है, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मन माना नहीं है। और तिथि आज निकाली दी है 5 अक्टूबर से 12 अक्टूबर। 4 अक्टूबर तक हम गुवाहाटी में, 4 अक्टूबर की शाम की फ्लाइट पकड़ करके मेरा पूरा स्टाफ रात्रि को दिल्ली में पहुंचेगा, और सुबह 5 तारीख को 6:30 बजे की फ्लाइट पकड़ करके 8 बजे जम्मू, और फिर उसके बाद 10 बजे से कथा का गायन, श्रीमद् भागवत जी की कथा। और हमने कुछ ऐसा शेड्यूल बनाया है कि कथा के लास्ट दिन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक दिन का कार्यक्रम। हम पूरे देश के बच्चों को धर्म संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं। हमारे धर्म के ऊपर कोई कट्टरपंथी कैसे हो जाए? आज हमने कटरा से एक ग्रुप बना करके तैयार किया है, उसका नाम है हम हैं पक्के सनातनी। इसके साथ आप जरूर जुड़िएगा, बच्चों को जोड़िए, हम हैं पक्के सनातनी। और मेरे पास कटरा से एक सिम है, और ये सिम मेरी लास्ट श्वास तक जिंदी रहेगी, इस नंबर को हम बंद नहीं करेंगे। मैंने अपने मोबाइल में डालकर उसको चालू कर लिया, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। जितने भी युवान भाई बहन हैं, बच्चे हैं, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपके एक एक नगर और शहर में आऊँगा, जैसा नाम है ग्रुप का हमें पक्के सनातनी, और वैसा ही काम करना है। विधर्मी हावी होते हैं, आप इसमें पोस्ट डालेंगे, फालतू की बातें कुछ इसमें बिल्कुल लिखनी नहीं है। मेरी रोज एक कहानी धर्म के ऊपर, परमार्थ के ऊपर, एक युवान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस ग्रुप के माध्यम से रोज आपके साथ जुड़ूंगा। तो जितना भी मुझे युवा वर्ग सुन पा रहा है, मेरी बहनें बेटियां भी सुन, इससे जुड़े, हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही दुर्गा हैं, आप भगवती हैं, आप ही जानकी हैं, आप लक्ष्मी बाई हैं, आप किसी भी कार्य क्षेत्र में बिल्कुल पीछे नहीं हैं। नवरात्रा का व्रत हमें यही तो यह पर्व यह संदेश देता है, हमें आपकी ज़रूरत है। आप समर्थ होंगी, आप खड़ी रहेंगी, तो इन वृद्धों का आदर मान सम्मान होता रहेगा। और जिस देश में वृद्ध सुखी होता है,
उस देश की संस्कृति बहुत ऊंची जाती है, तो उसके लिए हमें अपनी बहन बेटी भाई बच्चों की सबकी ज़रूरत है। 15-16 साल से लेकर के और ऊपर तक के जितने हैं हमारे इस ग्रुप के साथ जुड़िए। मेरी उम्र की बहुत बहनें और भाई, मैं यंग हूँ, बूढ़ा नहीं हूँ, 47 ईयर्स मेरी अभी उम्र है। अभी तो मेरा कार्य करने का जज्बा, अभी तो मेरा जागा है, अभी तो बहुत कुछ करना है। आपके बच्चे मुझसे मिलने को आते हैं तो कहते हैं हमारी माँ दादी पापा गुरुजी आपको बहुत सुनते हैं, तो मैं कहता हूँ बेटा तुम भी सुनते हो कभी कभी, कभी कभी नहीं, इनको बिल्कुल जोड़िए। और इस बात को डर को निकाल दें कि महाराज से जुड़ करके हमारे बच्चे कहीं बाबा न बन जाए, इस बात का बहुत भय होता है। जो बनेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, मुझे रोकने की बहुत कोशिशें की गई। दूसरा, बाबा सबको अच्छा लगता है, घर का बाबा किसी को अच्छा नहीं लगता। बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़ी बड़ी पंचायत, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का तो ज्ञान बहुत पीछे रह जाए उनसे, बड़ी बड़ी बातें कहेंगे। उद्धार के लिए, आत्मकल्याण के लिए एक संतान की जरूरत है, जिसको संतान नहीं होगी उसका कल्याण नहीं होता। हम जैसा आदमी बोलता है तो ऐसी फोकट की मुक्ति हमें नहीं चाहिए, हम तो अपने कल्याण का मार्ग स्वयं ही खोलेंगे। बड़े बड़े प्रवचन दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। मैं आप सभी भाई बहनों को बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आप तो हमसे जुड़े ही हैं, आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़िए, ये भटकेंगे नहीं। ये मैं बहुत वायदे के साथ कहता हूँ। हमारे पास में एक एक सूत्र लिखित है, प्रमाणित है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, हर चीज को मैं जल्दी स्वीकार करता नहीं हूँ, और मुझ जैसे आदमी ने इस देवीय संस्कृति को स्वीकार किया है तो आप समझिएगा इससे और बड़ी कोई संस्कृति, इससे बड़ी सुख और शांति कुछ हो नहीं सकती। और इसके लिए हम दिन रात लगे हैं इस कार्य को करने के लिए। हमें सनातन के वृक्ष को सूखने नहीं देना है। पेड़ लगाया है, इसको संभ्रांत करने के लिए, इसमें जल देने के लिए, खुराक देने के लिए हमें आपके बच्चों की जरूरत है। श्री धाम वृंदावन में इतना बड़ा आश्रम इसलिए बनाया जा रहा, आज हम आचार्य राममोहन शास्त्री जी साथ अजमेर वाली माता भी बैठी हुई थी, तो मैं बोल रहा था कि एक ऐसा परिसर बना के तैयार करें जहाँ एक जगह 10,000 युवान भाई बैठ करके और एक ऐसी मंत्रणा कर सकें जिससे सनातन को, हमारे धर्म को बहुत बड़ी ताकत मिले। अपने धर्म की उन बातों को बताइए कि युवान इधर उधर भटके ही नहीं, उसको सकुन मिले, उसे शांति मिले। सब अपने अपने मन की बातें बताते हैं, कोई कहता है भगवान को पकड़ो, कोई कहता है भगवान को छोड़ो, और लोग चौराहे पर खड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि पकड़ें कि छोड़ें। जितना वह सुनते हैं दिमाग पे बोधरेशन होता है, निश्चय कर नहीं पाते हैं, बुद्धि निश्चयवाचक बन नहीं पा रही है। और मैं कटरा की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, मुझसे जुड़ने पर इस देश को कभी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, धर्म को कभी किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हो सकता। मेरी हर बात अपने आप में प्रमाणित बात होती है। तो हम हैं पक्के सनातनी, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए नंबर मैं यहाँ से लिखाई देता हूँ। आप अपना नाम और कौन सी जगह से हैं, स्थान का नाम, दोनों व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देना। मैं आपका नाम नंबर सेव कर लूँगा अपने मोबाइल में, और फिर यहाँ से एक पोस्ट रोजाना आपके पास जाएगी। आपको आलतू फालतू कोई बातें डालनी नहीं है, अच्छा संदेश, धार्मिक पारमार्थिक किसी की आलोचना करनी नहीं है। हमें किसी के धर्म की बुराई करके अपने धर्म को ऊपर नहीं बढ़ाना, हमें अपने धर्म की अच्छी बातें बता करके लोगों को जागृत करना है, लोगों को बताना। मेरे सामने कोई 8 फीट की लकीर खींच दे और मुझे कोई कहे कि आप 8 फीट की लकीर को छोटा कर दो, तो मैं किसी की 8 फीट की लकीर को मिटा करके छोटा नहीं करूंगा, मैं अपनी लकीर को 8.25 फीट की बनाऊंगा, तो उसकी तो लकीर अपने आप ही छोटी हो जाएगी। जब हम अपने धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे
तो हमारे तो सामने सब पराजित हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। हमें किसी के धर्म की बुराई करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी। मैं अपने धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। मुझे कोई किसी के धर्म के लिए कहे कि यहां चादर उड़ा दो, कि यहां प्रणाम कर दो, कि यहां धूप बत्ती अगरबत्ती जला दो, ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं किसी के धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं साहब का सम्मान करता हूं। मैं पक्का सनातनी हूं, मेरी रग रग में सनातन है। मैं बड़भागी हूं, मैं भाग्यशाली हूं, सनातन धर्म में मेरा जन्म हुआ है। कृष्ण का पुजारी हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में मर जाना आनवान और शान है, प्रलोभन में आकर किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना यह बहुत बड़ी कायरता है। जिस धर्म में हमारे पूर्वज जन्मे और उनकी मृत्यु हुई, उस धर्म का आदर करना, मान करना, सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य भी है और यह हमारा धर्म भी है। युवाओं को हमें बताना है कि हमारे हनुमान के सिंदूर में कितनी ताकत है, तो तुम कहां चदरियां उड़ाने को चल पड़े। अपने धर्म को मानो। जब तक हम अपने सनातन का आदर नहीं करेंगे, तब तक हम माँ बाबू जी का आदर नहीं कर सकते। और जब तक हम माता पिता के पास में, गुरुजनों के पास नहीं बैठेंगे, तब तक हम अपने धर्म को नहीं जान सकते। सब लोग अपने अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं, तो हम अपने धर्म के प्रति परिपक्व क्यों नहीं है। कच्चे मत बनो, पक्के बनो। अपनी साधना को बढ़ाओ। साधना के द्वारा आठों चक्र खुल जाते हैं, सोचने की ताकत बढ़ जाती है, निर्णय लेने का हुनर आ जाता है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। जितना मिलता है उसके ऊपर संतुष्ट आत्मा, हम लोग संतुष्ट हैं। जवाबदारियां इतनी हैं, कभी मेरे पास एक आधा घंटा बैठना, फिर मैं तुम्हें अपनी कथा सुनाऊं तो तुम रो पड़ोगे। आप कहोगे आदमी किस माटी का बना हुआ। लेकिन टेंशन किसी भी प्रकार का नहीं है। देनदारी इतनी होती है, सुबह से शाम तक फोन आते हैं, महाराज जी पेमेंट नहीं हुआ। हम कह देते हैं, भैया देखो मैंने तुम्हें 3 दिन का वायदा किया था, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, कल शाम का सूर्य तो अस्त होने दीजिए, उससे पहले तुम्हारी हो जाएगी पेमेंट। चिंता बिल्कुल भी नहीं, चिंतन है, फिक्र नहीं है, समर्पण पूरा है। हाँ, फिक्र है ये काम करना है,